हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस बायो विजन। आज हम लोग म्यूटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इसमें एक्चुअली ह्यूमन बीइंग का जो जीनोम है वो एक डायनेमिक एंटिटी है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म उसको खुद दुरुस्त कर लेता है, सही कर लेता है। लेकिन कुछ वैसे चेंज हैं जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म से एस्केप कर जाते हैं, यानी उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो वही आगे म्यूटेशन हमारे जीनोम का हिस्सा बन जाता है और ये इनहेरिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो इसको इस तरह से देखते हैं, परमानेंट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इसको म्यूटेशन कहते हैं। दूसरी बात जो है इसमें, म्यूटेशन इन सोमेटिक सेल्स आर यूजुअली नॉट इनहेरिटेड। सोमेटिक सेल्स के म्यूटेशन जनरली इनहेरिट नहीं होते हैं, जर्म लाइन वाले म्यूटेशन इनहेरिट करते हैं और आगे चलकर वो पूरा का पूरा जो इंडिविजुअल है उसके एक एक सेल में वो म्यूटेंट जीन रहता है। सोमेटिक म्यूटेशंस आर स्प्रेड इन पॉपुलेशन थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर। सोमेटिक म्यूटेशन जो स्प्रेड करता है पॉपुलेशन में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्प्रेड नहीं करता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर से स्प्रेड करता है। सम म्यूटेशंस बिकम्स द पार्ट ऑफ जीनोम, सच म्यूटेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर कॉल्ड हेरिटेबल म्यूटेशन। तो वो म्यूटेशन जो हमारे जीनोम का हिस्सा बन जाते हैं वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन करता है, जिसको हम हेरिटेबल म्यूटेशन कहते हैं। हेरिटेबल जेनेटिक चेंजेस में अकर मे बी स्मॉल और लार्ज। जो हेरिटेबल चेंजेस हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉल स्केल पर भी हो सकते हैं और लार्ज बड़े बड़े चेंज भी हो सकते हैं, जैसा कि हम क्रोमोजोमल एबरेशंस और प्लॉयडी के लेवल का चेंज देखते हैं, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर और नंबर चेंज करता है। स्मॉल चेंजेस भी होते हैं। स्मॉल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल अकर्स एट जीन लेवल कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। जो स्मॉल चेंजेस होते हैं वो जीन के लेवल पर होते हैं, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ऑल्टरनेट फिनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेंट। जो ऑल्टरनेट फिनोटाइप जीन में परिवर्तन होने के बाद क्या होता है कि उस वो जीन का जो वाइल्ड फिनोटाइप था, वाइल्ड टाइप था, वो चेंज आ जाता है और एक डिफरेंट फिनोटाइप बनता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेंट फिनोटाइप। तो ये वाइल्ड टाइप म्यूटेशन के बाद म्यूटेंट टाइप का बनता है फिनोटाइप। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मोस्ट म्यूटेशंस आर रिसेसिव, दे डोंट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड टाइप। ज्यादातर जो म्यूटेशन होते हैं वो रिसेसिव नेचर के होते हैं और यदि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हेटरोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं जहां की वाइल्ड टाइप रहता है। डोमिनेंट म्यूटेशंस आर लेस कॉमन। डोमिनेंट म्यूटेशन लेस कॉमन होते हैं, कम ही होते हैं। म्यूटेशंस आर जनरली हार्मफुल, हाउएवर बेनिफिशियल म्यूटेशंस आल्सो अकर एंड हेल्प इन एडेप्टेशन। म्यूटेशन जनरली हार्मफुल होते हैं लेकिन म्यूटेशन बेनिफिशियल भी होते हैं, क्योंकि म्यूटेशन एक रॉ मटेरियल का काम करता है जो बदलते वातावरण में हमको एडेप्ट करने में मदद करता है। देयरफॉर सम म्यूटेशंस आर आल्सो हेल्पफुल, म्यूटेशन आर बेनिफिशियल एंड अकर्स इन हेल्प्स इन एडेप्टेशन। रेट ऑफ म्यूटेशन, रेट और फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन डिफर्स फ्रॉम लोकस टू लोकस, डिफर्स फ्रॉम लोकस टू लोकस। लोकस टू लोकस जो रेट है या फ्रीक्वेंसी है म्यूटेशन का वेरी करता है। हर एक जीन या हर एक लोकस पर का जो म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी है सेम नहीं है। लो रेट म्यूटेशन जिस साइट पर होता है, जिस लोकस पर होता है उसको कंजर्वेटिव साइट कहते हैं, और हाई रेट ऑफ म्यूटेशन जहां होता है, यहां म्यूटेशन जहां रिकरेंस होता है, बार बार होता है, उसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन
वो म्यूटेशन है जो अपने आप होते रहता है, नेचर में अपने आप होते रहता है। हमारा जीनोम जो है स्टैटिक नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम स्टैटिक नहीं है, ये एक डायनेमिक एंटिटी है और इसमें चेंज हमेशा होते रहता है। जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ए डायनेमिक एंटिटी, म्यूटेशन कीप्स ऑन अकरिंग एट ए स्लो रेट कॉल्ड बैकग्राउंड रेट, यानी कि स्लो रेट से म्यूटेशन हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में चलते रहता है, जिसको हम बैकग्राउंड रेट कहते हैं। सर्टेन केमिकल्स, रेडिएशंस और बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज ट्रांसपोजोन कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन, सच एजेंट्स आर नोन एज म्यूटेजन। जो एजेंट म्यूटेशन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है उसको हम म्यूटेजन कहते हैं। वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फिजिकल नेचर का हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, हीट हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या फिर कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, वायरसेस भी हो सकता है, ट्रांसपोजोन भी हो सकता है। यूज ऑफ म्यूटेजन फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। जब हम म्यूटेजन का प्रयोग करते हैं म्यूटेशन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, तो उसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन मेनली अकर्स एट द टाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन कॉल्ड रिप्लिकेशन एरर। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, नॉट इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कब होता है? ये जनरली रिप्लिकेशन एरर के द्वारा होता है। रिप्लिकेशन जब डीएनए रिप्लिकेट करने लगता है उस समय होता है। रिप्लिकेशन एरर कैन काउज सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए बेस पेयर इन न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेस पेयर, यानी कि जो ओरिजिनल बेस पेयर है उसको हटा के कोई दूसरा बेस पेयर आ जाता है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा हो सकता है कि इंसर्शन और रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड लीडिंग टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। या तो इंसर्शन, नया न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, या फिर रिमूव कर दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। मोस्ट म्यूटेशंस आर करेक्टेड बाय प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज चाहे यूकैरियोट का हो या प्रोकैरियोट का हो, सभी इक्विप्ड होते हैं प्रूफ रीडिंग एबिलिटी से, यानी कि जब वो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करते हैं तो वो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में आके देखता है कहीं रॉन्ग बेस पेयर का इनकॉर्पोरेशन हो गया तो उसको रिमूव कर देता है। दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ये ड्यूरिंग रिप्लिकेशन एंड मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म आफ्टर रिप्लिकेशन। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कब होता है? तो ड्यूरिंग रिप्लिकेशन होता है। इसके बाद भी देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म व्हिच कैन रिपेयर डीएनए। डीएनए को रिपेयर कर सकता है यदि डीएनए में कुछ गलत रॉन्ग बेस पेयर घुस गया है, तो उसको हटा सकता है, उसको करेक्ट रेक्टिफाई कर सकता है। तो इस मैकेनिज्म का इस तरह के फॉल्ट को सही करने के लिए मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म होता है जो कि इसको सही करता है। तो प्रूफ रीडिंग और डीएनए मिसमैच रिपेयर दोनों सिस्टम होता है जो इसको देखता है कि कहीं रिप्लिकेशन एरर तो नहीं हो गया है। अब हाउएवर एंजाइम्स कैन डू मिस्टेक एट द रेट ऑफ वन आउट ऑफ 1 लाख। ये जो मिस्टेक हो सकता है, इतना कुछ करने के बावजूद भी ये चांसेस है कि कुछ एरर स्केप कर जाए, यानी ये जो है फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है, कुछ ना कुछ एरर स्केप कर सकता है, लेकिन काफी इसकी संभावना कम होती है। ये 1 लाख में से एक एरर हो सकता है जो कि इस हो सकता है। आउट ऑफ 1 लाख न्यूक्लियोटाइड को यदि ऐड करते हैं तो संभावना है कि एक रॉन्ग इनकॉर्पोरेशन हो सकता है। तो ये रेट है एंजाइम के मिस्टेक का, यानी कि जो रिपेयर सिस्टम से स्केप करने का। ह्यूमन बीइंग जीनोम हैज 6 बिलियन बेस पेयर। ह्यूमन बीइंग का जीनोम जो है उसमें 6 बिलियन बेस पेयर है। यदि इस रेट से मिस्टेक हो
तो क्या होगा, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वेन 120,000 मिस्टेक्स एवरी सेल डिवीजन, हर सेल डिवीजन में संभावना है कि एवरी सेल डिवीजन के साथ ये 120,000 जो एरर है वो इनकॉर्पोरेट हो सकता है, इतना फुल ये मतलब डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म और प्रूफ रीडिंग के बावजूद भी ये संभावना बनती है कि 120,000 रॉन्ग इनकॉर्पोरेशन हो सकता है या फिर डिलीशन या रिमूवल हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि म्यूटेशन क्या है और इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है। अगले वीडियो में हम लोग इस बात का चर्चा करेंगे, डिटेल देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, और उसके आगे इंड्यूस्ड म्यूटेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना वैल्यूबल कमेंट भी हमें दीजिए। ओके, थैंक यू।